हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दुनित। आज हम यूकेजी की मैथ वर्कशीट देखेंगे। ये आई होप ये वर्कशीट आपको मैथ की स्टडी लेने में हेल्प करेगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे बच्चों को मिसिंग नंबर लिखने हैं और ये नंबर 0 to 100 में से है। जैसे यहाँ पे 43, 44, 45 एंड सो ऑन 49 तक लिखना है। इसी तरीके से 72 एंड देन 94। तो इस तरीके से बच्चों को मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को न्यूमरल्स दिए हुए हैं और बच्चों को उन न्यूमरल्स के स्पेलिंग लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 का स्पेलिंग 12, 23, 36। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 12 एंड 48, 41। बच्चे ज़्यादातर 12 के स्पेलिंग और 40 के स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, तो इन दो स्पेलिंग्स इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकवर्ड काउंटिंग। यहाँ पे बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए मिसिंग नंबर फिल करने हैं, जैसे 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन। तो इससे बच्चों के नंबर सीक्वेंस की प्रैक्टिस हमें करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे बच्चों को सिंपल एडिशन दी हुई है और बच्चों को वो एडिशन ऑब्जेक्ट्स यूज करके करनी है। जैसे यहाँ पे 3+4 करने के लिए फ्लावर्स दिए हुए हैं, 5+2 करने के लिए ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, 3+0 के लिए एप्पल्स दिए हुए हैं। तो ये सिंपल एडिशन है जो बच्चों को ऑब्जेक्ट यूज़ करके करना है। इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल एडिशन के साथ बच्चों को वर्टिकल एडिशन की भी प्रैक्टिस करानी है और उसके लिए वर्टिकल सम्स दिए हुए हैं, जैसे 7+1 और 5+3। यहाँ पे बच्चों को स्टिक्स ड्रॉ करने हैं और स्टिक्स ड्रॉ करके एडिशन करनी है। जैसे 5+3 है तो 5 स्टिक्स एंड प्लस 3 स्टिक्स, दैट मीन्स 8। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। सिंपल सब्ट्रैक्शन है जो बच्चों को ऑब्जेक्ट यूज़ करके करना है। जैसे 7-2 के लिए यहाँ पे 7 पेंसिल्स दी हुई है, उसमें से बच्चों को 2 कट करके देन उनका आंसर लिखना है। इसी तरीके से 6-3 करने के लिए लीव्स दिए हुए हैं और इस हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन के साथ साथ बच्चों को वर्टिकल सब्ट्रैक्शन के लिए भी सम्स है। जैसे 5-1 तो बच्चों को यहाँ पे स्टिक्स ड्रॉ करनी है एंड देन कट करके फिर उन्हें आंसर्स लिखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स बिफोर। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, बच्चों को उन नंबर्स के बिफोर नंबर लिखने हैं, मीन्स प्रीडिसेसर। यहाँ पे बच्चों की सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस की प्रैक्टिस हमें करवानी है और उसके लिए ये बिफोर नंबर और आफ्टर नंबर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 16 के बिफोर नंबर होगा 15, 44 के बिफोर नंबर होगा 43। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम्स आफ्टर। यहाँ पे बच्चों को आफ्टर नंबर लिखने हैं, दिए हुए नंबर्स के आफ्टर नंबर यानी सक्सेसर। जैसे 46 के आफ्टर होगा 47, 27 के आफ्टर होगा 28। अब यहाँ पे बच्चों को बिटवीन नंबर्स लिखने हैं, जैसे 9 और 11 के बिटवीन नंबर होगा 10, 14 एंड 16 का बिटवीन नंबर होगा 15। क्वेश्चन है ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। बच्चों को दिए हुए नंबर्स में से ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 18, 15 एंड 19 दिए हैं, तो इनमें से ग्रेटर नंबर होगा 19 एंड स्मॉलर नंबर होगा 15। इसी तरीके से 27, 23 और 20 में ग्रेटर नंबर होगा 27 और स्मॉलर नंबर होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द करेक्ट साइन। यहाँ पे बच्चों को ग्रेटर दैन, लेस दैन एंड इक्वल टू साइन यूज करके दो नंबर्स की कंपैरिजन करनी है। जैसे 15 एंड 25 में 25 बड़ा है और 15 छोटा है, तो यहाँ पे साइन आएगी लेस दैन। इसी तरीके से 30 और 31 में 30 छोटा है, तो अगेन यहाँ पे आएगी लेस दैन। एंड देन नेक्स्ट है 41 एंड 14, तो यहाँ पे 41 बड़ा है, तो यहाँ पे साइन आएगी ग्रेटर दैन। इसी तरीके से 18 और 18 इक्वल है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू की साइन। आई होप ये वर्कशीट आपको बच्चों की स्टडी लेने में हेल्प करेगी। ऐसी अगली वर्कशीट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।